हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है माइनक्राफ्ट के नए एपिसोड में, जहां हम करते हैं बस खुदाई और खुदाई। लेकिन जैसा कि आपने पिछला एपिसोड देखा होगा भाई, मेरी तो मतलब शामत ही आ गई थी। मैं नेदर वर्ल्ड में गया, नेदर फोर्ट्रेस में गया और वहां पे मैं गिर गया। और भाई ये आवाज़ किस चीज़ की आ रही है इतनी तेज़ तेज़? मेरे घर में ज़ॉम्बी कहाँ से घुस चुके हैं यार, फिर से ये लोग अंदर आ चुके हैं पता नहीं कैसे कैसे। और भाई मेरे पास अभी कोई वेपन नहीं है, तो मैं फटाफट वेपन उठा लूँ, नहीं तो भाई मेरी भी कभी भी शामत आ सकती है। तो वैसे तो मैं हमेशा अपने पास एक्स्ट्रा वेपन्स रखता हूँ, लेकिन गाइस एक दिक्कत है कि एन्चेंटेड नहीं है। तो यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी मेरे लिए, क्योंकि एन्चेंटेड होना ज़्यादा ज़रूरी था। तो वैसे तो ये एन्चेंटेड है नहीं, कोई नहीं, फ़िलहाल मैं इनको ही लेके काम चला लेता हूँ, फिर देखा जाएगा कि आगे कैसे क्या काम करा जाएगा। यार अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखना, बहुत ही मज़ेदार है। लेकिन मतलब मेरे साथ जो ख़राब हुआ वो मतलब बहुत ही ख़राब हो गया जो ही बोलो। तो अभी फटाफट पहले तो मैं अपनी एक्सपी गेन करूँगा और फिर मैं वहीं नेदर फोर्ट्रेस में जाऊँगा। और भाई मैं तो सही बता रहा हूँ, मेरे को तो आप वहाँ से ब्लेज रॉड लेकर ही आनी है कुछ ना कुछ करके, क्योंकि मैं बिना ब्लेज रॉड लाए रुकने नहीं वाला। तो अभी फटाफट मैं अपना सारा अरेंजमेंट कर लेता हूँ और मैं खाना भी ले लेता हूँ ताकि मैं मुर्गियों को खाना खिला सकूँ। और फिर उसके बाद हमारा मतलब एक्सपी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये बहुत फ़ायदे वाली चीज़ होगी। जो जब तक हमारा खाना बन रहा है तब तक हम मुर्गियों का खाना बना देते हैं, खाना खिला के आते हैं, और साथ ही साथ मुर्गियों के साथ साथ घास भी काट लेंगे और गायों को भी खाना खिला देंगे। तो चलो, और भैया ज़ॉम्बी कहाँ से आवाज़ कर रहे हैं? चलो जल्दी से इनको मार आते हैं। आई गेस ये एकदम या तो टॉप फ्लोर पे हैं, ये आवाज़ तो कहीं, एक सेकेंड, स्केलेटन भी है उसके साथ। तो मैं अपना ये भी ले लेता हूँ, बो भी ले लेता हूँ। यार मैंने बो भी एन्चेंट करा था गाइस, मतलब शिट मैन, सब सब चला गया। अब वो यार एरो भी बहुत कम है, लेकिन कोई बात नहीं, फ्लिंट की कमी नहीं है तो हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे। तो पहले तो हम देख लेते हैं भाई कहाँ पर हैं ये लोग, कहाँ, यहीं कहीं से तो आवाज़ आ रही है लेकिन दिख नहीं रहे हैं। जल्दी भाई दिख जा, यहाँ पे भी नहीं है भाई। आवाज़ कहाँ से कर रहे हैं ये लोग? एक जॉम्बी और एक स्केलेटन है, मतलब आवाज़ से तो यही पता चल रहा है, लेकिन वो दिख ही नहीं रहे मेरे को यार। हाँ स्केलेटन की तो आवाज़ आई। ओके स्केलेटन यहाँ पे है, और भाई उसके पास एन्चेंटेड बो है। आई गेस कि अगर मैं उसको मारूँ तो भाई उसका बो मुझे मिल जाए तो यार मज़ा आ जाएगा। तो इसको अपन मारते हैं। ओ भाई यार मेरा एन्चेंटेड वो कितना बढ़िया, शिट शिट शिट, अबे मार दिया साले ने, अबे मेरे को कहाँ लाके रख दिया गाइस, मेरे घर में ही घुस के मेरे को ही मार दिया उसने। बताओ क्या ही हालत हो गई यार, मतलब भाई मैंने बहुत ज़्यादा ही लॉस कर दिया है। मतलब मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कीमती कीमती सामान थे, सब चले गए। और भाई एक नहीं दो नहीं, अब तो दो दो ज़ॉम्बी की आवाज़ आने लगी। ये क्या ही चल रहा है मेरे साथ, मतलब पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मेरे गेम प्ले देख के इन लोगों को इतना ही ऐसा लग गया कि भाई अब मुझे मारेंगे घूम ढूंढ ढूंढ के। और भाई ये फिर आ गया, भाई मारियो मत। अरे यार ये मारे इससे पहले मैं सब सामान ले, भाई इसकी निशाना बहुत तगड़ा है। कोई बात नहीं, अब तलवार लूँगा और मैं इसको सीधा ख़त्म करूँगा। बट इधर इधर इधर, ओह फाइनली एक तो गया, बाकी अभी जल्दी से बाकियों को भी ढूंढ के मारना पड़ेगा। यार मैं पहले तो ये सूट पहन लेता हूँ, सूट पहन लूँगा तो क्या डैमेज कम होगा, और फिर बाकी का जो काम करना है अपने को अपन करेंगे। यार मेरे को अभी फिर मतलब एरो भी बनाना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को वुड चाहिए। आई गेस वुड तो होगा मेरे पास, पहले मैं चिकन उठा लेता हूँ। और मेरे को एक्सपी चाहिए, काफ़ी सारी एक्सपी चाहिए भाई, बहुत सारी एक्सपी चाहिए। और एक और स्केलेटन की आवाज़ आ रही है, एक जॉम्बी की आवाज़ आ रही है, मतलब चल क्या रहे हैं यहाँ पे, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। मैं इनको मारते मारते ही मेरा दिन निकल जाएगा, ऐसा सीन हो गया है। तो गाइस मैं फटाफट इनको मारता हूँ यार, नहीं तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन यार ये जॉम्बी की आवाज़ आ कहाँ से रही है, मतलब यहाँ पे तो नहीं दिख रहे और यहाँ पे भी नहीं है मेरे ख्याल से। छोड़ो यार कोई बात नहीं, अब जो है सो है, जब दिखेंगे तब मार देंगे। अभी फटाफट चलते हैं, मुर्गियों को खाना खिला देते हैं, तो थोड़ी सी एक्सपी आ जाएगी तो एन्चेंट कर देंगे। ओके तो ज़ॉम्बी आई गेस नीचे ही है, नीचे से ही आवाज़ आ रही है। तो मैं लैपिस ले लेता हूँ, यहाँ पे अपन ने रख लिया लैपिस भी। चलो बढ़िया, लैपिस भी आ गए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भाई
ओके, ज़ॉम्बी यहीं कहीं है, बाहर की तरफ है। चलो ठीक है, बाहर की तरफ है, मतलब वो बाहर भी नहीं है यार, यहाँ पर कहीं पे है। समझ में नहीं आ रहा मेरे को भाई, यहाँ पे तो आवाज़ उसकी काफ़ी तेज़ हो जा रही है, दिख तो नहीं रहे मेरे को। चलो जो भी हो, अभी फटाफट मैं अपनी खेती कर लेता हूँ ताकि मेरे को थोड़ा। हाँ भाई, एक तो सामान है नहीं, ऊपर से मैं सामान फेंक दे रहा हूँ, ऐसे कैसे चलेगा यार। तो यहाँ पे तो ऐसी बेकार की चीज़ ही पड़ी है, तो फटाफट यहाँ पे हम काट लेते हैं, बहुत सारे ग्रास आ चुके हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने सब कुछ काट तो दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ रात भी हो गई है, तो भाई अभी मैं रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास पावर बहुत कम है, मतलब कुछ भी एन्चेंटेड नहीं है। और भाई सही बताऊँ तो अभी अगर कोई आ जाएगा ना, तो मेरे को टैगल करने में ज़्यादा दिक्कत आएगी, तो मैं यहीं पर बेड लगा के। तो गाइज़ सुबह हो चुकी है, और भाई मैं क्या ही बताऊँ, मतलब चलो यहाँ पर हमने खेती तो बेसिकली वो साफ़ कर दी है। अभी मैं यहाँ पर सीड्स लगा देता हूँ, वीट सीड्स, वो क्योंकि फिर काम आने वाले हैं, तो उनको लगाते हैं और फिर जल्दी से गाय को और उसको खाना खिला देते हैं ताकि फिर हमारे लिए दिक्कत ना हो। तो फटाफट यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे वीट सीड सारे लग चुके हैं, और मैं कैरेट्स को अभी काट नहीं रहा क्योंकि अभी मेरे को उनका काम नहीं है। और अभी फटाफट मैं चलता हूँ और अपनी हैन और गायों को खाना खिलाऊँगा ताकि मैं एक्सपी गेन कर सकूँ। तो चलो भाई, अरे बाहर मत जाना। चलो बहुत बढ़िया, और भाई देख सकते हो हमारी यहाँ मुर्गी की तादाद, भाई साहब इतनी सारी मुर्गी, और अब ये इनकी फिर ब्रीडिंग होगी और ये अपनी तादाद डबल कर लेंगी। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से एक बार तो ख़त्म हो गए, और इनके अंडे तो मैं लेके परेशान हो गया हूँ यार, सही बताऊँ तो इतने सारे अंडे क्या ही बताऊँ मैं। और इस साइड से भी मुर्गियाँ आ रही हैं, लेकिन मेरे को ना एक्चुअली में उधर की मुर्गियों को मारना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वहाँ की मुर्गियाँ ज़्यादा हों, क्योंकि वहाँ पे बस मेरे को काउज रखनी है। तो गाइस मैंने मुर्गियों को खाना खिलाया, और जैसा कि आप देख सकते हो, मुर्गियों को खिलाने के बाद ही मेरी मतलब जो एक्सपी है वो 14 पहुंच गई है। तो भाई अभी मैं गाय और बकरियों को खिलाऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, और अभी मेरे को वही करना है, मेरे को एक्सपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइस सीन कुछ ऐसा हुआ कि मैंने यार गाय को खाना तो खिलाया, लेकिन उनकी वजह से मेरी एक्सपी ज़्यादा नहीं बढ़ी। तो एक बात आप लोग ध्यान रखना कि एक्सपी सबसे ज़्यादा आई गेस मुर्गियों को खिलाने से होती है, तो अगर एक्सपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी ना, तो मुर्गियों को खाना खिला देना, मतलब अच्छी खासी एक्सपी पड़ जाएगी। और कोई वे होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक वे है। तो चलो यहाँ पे हम बकरियों को भी खिला देते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने उनको भी मतलब बकरियों को भी खाना खिला दिया, और मेरी एक्सपी इतनी तो हो गई है कि मैं अपना एटलीस्ट मतलब मैं अपनी तलवार और एक्स को एन्चांट कर सकूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी फटाफट इनको एन्चांट करता हूँ, और भाई फिर जाएंगे नेदर वर्ल्ड में और जाके वहाँ से ब्लेज रॉड लेके ही आएंगे। यार पिछले एपिसोड में जो सीन हुआ ना, मैं नहीं चाहता कि वो फिर से हो, मतलब वो तो बहुत ही दुखद सीन था सही बताऊँ तो। तो अभी जल्दी से फटाफट एन्चांट कर लेते अपने सामान को। तो गाइज़ यहाँ पे मेरी एन्चांटिंग हो चुकी है पूरी, और भाई मेरा एक्सपी भी ज़ीरो हो चुका है, लेकिन मेरे को जो बेसिक पावर चाहिए थी वो तो मेरे को मिल चुकी है। और मैं फटाफट अपने सामान रख देता हूँ और चलते हैं हम नेदर वर्ल्ड की तरफ। तो गाइज़ अभी मैंने अपना सारा सामान रख दिया है, और भाई यहाँ पे रात हो चुकी है, लेकिन अब मेरे को किसी बात का डर नहीं, क्योंकि भाई अब हमारे पास तैयारी पूरी हो चुकी है। मतलब अब हमारे पास जॉब भी आएंगे, तो मेरे को कोई नहीं दिक्कत है कि भाई वो मेरे को मार देगा या वगैरह वगैरह फलाना डिमका। अब तो बेटा वो आएगा तो मैं ही उसको मार दूंगा, वो तो ठीक है। और साथ ही साथ अभी मैं अपने दोनों घोड़ों के लिए आर्मर भी लेकर आ गया हूँ, वो क्योंकि मेरे को पड़े हुए थे, मतलब जब मैं एक्सप्लोर करने गया था तब मैं वहाँ से लेकर आया था। तो एक हॉर्स पे तो मेरा ओके, मैं इसको ये कर दूँ। तो गाइज़ अभी वो दोनों के दोनों जो हॉर्सेस हैं ना, वो मेरे से बेसिकली गुस्सा है। गुस्सा है तो क्या, मतलब उनको मेरे को अपना फ्रेंड बनाना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को गोल्डन एप्पल खिलाना पड़ेगा, तब जाके मैं उनको आर्मर पहना सकता हूँ। तो यार मैं अभी फटाफट, क्योंकि जो कि रात हो चुकी है, तो मैं नहीं चाह रहा कि अभी रात को मैं ये जगह छोड़ के जाऊँ। मैं कल सुबह जाऊँगा, तब तक के लिए मैं यहाँ पर गोल्डन एप्पल बना लेता हूँ। गोल्डन एप्पल आई गेस मेरे पास होना चाहिए, ये रहा एक तो है, लेकिन यार मेरे को एक और बनाना है, तो चलो एक और देखते हैं बना सकते हैं कि नहीं। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि भाई एक मतलब गोल्डन एप्पल के लिए मेरे को एप्पल लगेगा, और एप्पल अभी है नहीं मेरे पास। वो एक गोल्डन एप्पल है जो कि मैं अपने एक हॉर्स को खिला दूंगा, जिससे मेरी दोस्ती हो जाएगी, और बाकियों को बाद में देखा जाएगा। और भाई फ़िलहाल बताऊँ तो चलो ठीक है, यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं, लेकिन मेरे सारे के सारे वो कहाँ गए यार। मेरे को लग रहा है ना बेटा, इनको तो बहुत ही ज़्यादा हुड़ मची है मेरे साथ पंगा लेने की। चलो उसकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे सारे के सारे गोलम कहाँ गए। यहाँ पे गोलम मारपीट कर रहे हैं, और वहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि एक स्केलेटन अंदर घुसा पड़ा है। तो मेरे को पहले तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे
ओके तो ये यहाँ पे छोटू परेशान कर रहा है। ओहो इन दोनों में आपस ही फाइट चल रही है। ओ भाई मार दिया उसने मकड़ी ने उसको। सही है यार। और भाई मैंने तो इसको भी मार दिया, लेकिन मेरे सारे कॉलम यहाँ तक क्यों आ गए मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा यार। मतलब भाई मैंने नहीं चाहता कि, और चलो बहुत बढ़िया, लेकिन मेरे को मैं चाहता हूँ कि मेरे गोलम वहां पे रहे। और यही जॉम्बी था जो कि आवाज कर रहा था, तो इसको भी मार देते हैं। ओ भाई मर जा। चलो ये भी मर गया। भाई जॉम्बी मारने से भी एक्सपी अच्छी खासी बढ़ती है वैसे, सही बताऊँ तो। हाँ यहाँ पे मतलब सब जॉम्बी जॉम्बी घूमने लगे। अब मैं इनको मारने की कोशिश करता रहूँ तो भाई स्केलेटन। चलो कोई ना मैं बाहर निकलता हूँ फिर। बेटा रुक जाओ, अभी नहीं, अभी पंगा नहीं लेना है। अब मेरे को अपनी तलवार निकालनी पड़ेगी। मतलब अभी हाँ तुम क्या बोल रहे थे भाई? इतने सारे लोग, ये चल कह रहा है। भाई मैंने इन सबको तो मार दिया, लेकिन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और मेरे सारे के सारे गोलम ना बेकार जैसे, मतलब गधों जैसे वहां पे घुसे पड़े हैं एक कोने में, तो वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। फिलहाल मैं इस हॉर्स को बना लेता हूँ अपना दोस्त। ले भाई ये खा। खा लिया। अब ये मेरे को अपनी सवारी करने देगा आई गेस। ओ भाई नहीं, हाँ करने दे दिया। चलो अब मैं इसको आर्मर पहना देता हूँ। आर्मर तो पहना दिया। शेडल अभी मेरे को लाना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, फिलहाल उसके पास आर्मर है, किसी बात की दिक्कत नहीं है। और तुम लोग क्या मुंह बना रहे हो? मैं तुम लोगों को भी खाना खिला दूंगा, टेंशन मत लो। अभी ये जॉम्बी वालों की हालत ख़राब करने दो। अरे यार चलो ये तो मर गए यार। मेरे गोलम ना मतलब सही में किसी काम के नहीं है, यहाँ वहाँ चले जाते हैं बस। चलो उनका तो मैं कल सुबह देखता हूँ, अभी फिलहाल मैं सो जाता हूँ क्योंकि अभी बहुत रात हो चुकी है और बहुत सारे जॉम्बी आ चुके हैं। और गाइस चलो सुबह हो चुकी है और मतलब सारे जॉम्बीज जल रहे हैं, जल जाए और मैं देख लूँ एक बार कि मेरे गोलम सारे यहीं पे हैं कि वो यहाँ से भी दूर चले गए हैं, क्योंकि भाई यही सीन हो रहा है मेरे साथ। देखो वो वहाँ तक पहुँच गए, यही सीन हो रहा है। मतलब मैं यहाँ पे अपने कॉलम्स रखता हूँ और वो कहीं ना कहीं से दूर चले जाते हैं। अब मेरे को ख्याल से ना मेरे को घर के अंदर रखना पड़ेगा, ज़्यादा सही रहेगा। तो चलो वो काम तो बाद में करेंगे, अभी चलते हैं नेदर वर्ल्ड में। और भाई मैं सारे अंडे लेके जा रहा हूँ यहाँ से, ताकि मैं नेदर वर्ल्ड में उनको फोड़ सकूँ। यार इस स्पाइडर आई मैं यहीं पर, यहाँ क्यों गिरा दिया? मैं इस क्रेट में डाल देता हूँ ताकि जब मैं बाद में आऊँ। ओह वहीं रह गई क्या? तो यहाँ पर उठ जा, यहाँ पर मैं रख देता हूँ ताकि जब मैं बाद में आऊँ तो फिर ये मतलब मेरे को मिल जाए। मैं नहीं चाहता कि ये चले जाए। तो यहाँ पे सब हो गया। वुड की ज़रूरत है, अब वुड लग सकता है, बोन की ज़रूरत नहीं, बोन हटा देते हैं अब, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई मैं वहाँ पे गया और फिर मैंने सामान खो दिया तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। एक्स की भी मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। शॉवल रख लेते हैं, और इतनी दो तीन चीज़ें सही है हमारे लिए। यार मेरे को ना एक शील्ड बना लेनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ का जो स्केलेटन आता है वो भी मेरे को मार सकता है। तो गाइस मेरे को शील्ड बना लेनी चाहिए, तो मैं जो कि यहीं पे हूँ तो फटाफट शील्ड बना लेता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो शील्ड बना चुका हूँ मैं, और शील्ड को अपने हाथ में ले लेता हूँ इस वाले। बस और कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। दरवाज़ा बंद, और चलो ये वाला घर छोड़ के नेदर वर्ल्ड में जाते हैं। और भाई आज तो ब्लीज रॉड लेकर आएंगे, और मैं उन सबसे एक एक से चुन चुन के बदला लूंगा जिसने मेरे पिछले मेरे को मार दिया। मतलब मारा तो क्या था, गलती मेरी थी, लेकिन जो भी हो मारा तो था। मतलब भाई साजिश थी, मैं साजिश बोलूँगा, गलती गलती होती है, लेकिन क्या ही बोलूँ मैं आप। चलो जो भी हो अभी मैं बदला लेके रहूँगा उनसे। तो भाई इतना सारा साफ खाली खाली लग रहा है, मेरे को पसंद नहीं आ रहा। इसको पहले भर देता हूँ मैं, क्योंकि नेदरवर्ल्ड में जाने के लिए एक्चुअली में थोड़ा सा हिम्मत बट भी टोड़ना पड़ता है, सही बताऊँ तो। चलो यहाँ पे आ गए, और भाई भी पता चला यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे गोलम की दुकान आप फिर से आ पड़ी है, देखा जाए। हाँ सही है, यही तो बस बाकी रह गया है ना। यहाँ पे ही मेरे मतलब गोलम को मैं बनाता हूँ और ये खुद यहाँ पे चले आते हैं। देखो एक ये यहाँ पे घूम रहा है, और ये जो आवाज़ है ये बहुत ही गलत आवाज़ है, ये आवाज़ मेरे को सही में नहीं पसंद। तो उससे मैं दूर ही रहूँ तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि मेरे को सीधा नेदर वर्ल्ड में जाना है। तो चलो फटाफट नेदर वर्ल्ड चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे अंडे फोड़ूंगा। भाई साफ सीधी बात, मैं यहाँ पे अंडे फोड़ते फोड़ते जाऊँगा ताकि इनको भी पता चले मुर्गियाँ होती क्या है। बहुत बढ़िया, यहीं पर मुर्गियाँ पैदा हो रही है, सही सीन है। अब इनको किसी चीज की कमी नहीं होगी।
ओह गुस्सा हो गया क्या ये? नहीं गुस्सा नहीं हो। अरे ये तो वो है, ओह शिट, ये लोग गुस्सा हो गए मुझसे। मेरे को गोल्ड लेकर आना चाहिए था यार, अब ये मेरे पीछे पड़े रहेंगे। या मेरे को इसको मारना पड़ेगा अब। यार इन्होंने तो पूरा पूरी सेना ले आई ये लोग। भाई कुछ नहीं करा भाई मैंने तुम लोगों को, फिर भी तुम मेरे पीछे पड़ गए, बताओ। अच्छा और भाई साहब कितने सारे आ रहे हैं यार, ये लोग तो मेरे को मेरी जान ही ले लेंगे ऐसे। तो इनकी जो सेना है वो शायद ये आखिरी, वो सेना का आखिरी आदमी है। ओ भाई अब इसका पालतू कुत्ता भी आ गया, इसको तो मैं गिरा ही दूंगा नीचे। नीचे गिर, नीचे गिर, नीचे गिर, नीचे गिर। भाई ये तो बच गया, खत्म खत्म कर दिया मैंने उसको। शायद उसके साथ कुछ निकला है। ओके कुछ अलग लग रहा है ये। भाई इधर मत आइयो, चल उधर ही दूर रह, इधर आने की कोई जरूरत नहीं भाई तेरे को। इसके सामने चिकन खाता हूँ, ये ज्यादा बोल रहा है। इसको मैं ले 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 अंडे का, अंडे का ज्यादा ही बोल रहा है ये मेरे पास। और भाई साहब कितने सारे अंडे पड़े हैं, मैं ये ग्रास फेंक देता हूँ। और ले और ले और ले, ले और खा और खा। तो गाइस यहाँ पे सीन ऐसा है कि बस इनको मुर्गी ही मुर्गी मिल रही है खाने को। भाई एक और आ गया यार, इनकी तो अब तादाद बढ़ती जा रही है, ये सही बात नहीं है, ये गलत। कूद गया, ओ भाई कूद गया, अबे पागल इंसान कूद गया नीचे ही। ये लेकिन नहीं कूद रहा है, ये दिमाग वाला बंदा लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं कर सकते, अंडे सारे के सारे खत्म हो चुके मेरे ख्याल से। और नहीं भाई 16 और बचे, मतलब और तुम 16 बार मार खाओगे, लो खाओ। और गाइस नीचे कितनी मुर्गी जा चुकी है आप देख सकते हो। ओ भाई साहब नीचे मुर्गी मुर्गी। चलो यार छोड़ो वो सब हो गया अब। अच्छा मेरे को क्रॉसबो मिल गया, वाह यार ये सही चीज़ मिली है मेरे को। लेकिन यार इसकी ज़्यादा देर तक टिकने वाला है नहीं है, क्योंकि ये उसका ख़त्म होने वाला हो। तो चलो यहाँ पे हम, ये आवाज़ पहचानी पहचानी लग रही है, ये स्केलेटन की आवाज़ है, ये स्केलेटन नहीं है मेरे ख्याल से। तो जो भी हो भाई इस आवाज़ से तो बच के रहना है, यहाँ पे कोई भी आवाज़ है उससे बच के रहना है। और ये इतना शांत शांत क्यों लग रहा है? जैसे तो ये शांत लग रहा है वैसा शांत है नहीं है, वो तो आप लोगों को भी पता होगा। यार मेरे को ना थोड़ी सी वुड, मतलब एक्चुअली मैं स्टोन लाना चाहिए था, फिर स्टोन लाना से मेरे लिए ज़्यादा बेटर होता। चलो कोई ना, अभी तो मैं यहाँ चढ़ चुका हूँ। ओके तो अभी तो फ़िलहाल मैं नेदर वर्ल्ड के पास ही हूँ, इस पे चलते हैं। यहाँ पे गोल्ड नगेट काफ़ी सारे हैं, गोल्ड नगेट भी उठा ही लेता हूँ। ये आवाज़ किसी और की लग रही है, चलो चढ़ के देखते हैं सीन क्या है। क्योंकि अब ओ भाई गिर ही जाता मैं तो। अब बेसिकली मैं नेदर फोर्ट के ऊपर ऊपर ही घूम रहा हूँ, नेदर फोर्ट के अंदर तक मैं गया नहीं हूँ। और यहाँ पे सारे स्केलेटन हैं भाई साहब, बहुत ही सीरियस जगह है ये। चलो यहाँ पे कूद जाते हैं, बहुत बढ़िया चिकन खा रहे। तो यहीं पे मतलब वो रहते थे, लेकिन यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है आज यार, क्या बात है। ये यहाँ पे एक खड़ा है, उसको मैं मारता हूँ। ओहो पड़ी 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 उसको पड़ी, लेकिन मैं और नहीं बाहर झुक सकता, मैं गिर जाऊँगा नहीं तो। चलो ये स्टेयर से नीचे उतरते हैं भाई, देखें तो यहाँ पे भाई एक भी नहीं मिल रहा मेरे को आज। लेकिन ये जो आवाज़ है ना खतरनाक डराती है। ओ भाई यहाँ पे हैं ये लोग, वो देखो देख लिया उन्होंने मेरे को। चलो कोई ना, अभी तो मैं दूर ही हूँ उनसे। भाई वो तो काफ़ी ऊपर आ गया, अब मैं जाऊँ तो जाऊँ किधर भाई?
फंस गया मैं तो गाइस, मैं फंस गया। अरे यार अब मैं जाऊं तो जाऊं किधर, मेरे को इसको ऐसे ही मारना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकता मैं। एक पड़ी उसको, काफी पीछे जा चुका है थोड़ा। हाँ एक और पड़ी यार, बहुत पीछे चला गया वो तो। यस यस इज डाउन, लेकिन यार काफी पीछे है वो। और इसको ये जो है, ओ भाई भाई भाई, मैं इसको यहाँ से पार होना पड़ेगा। पर मैं नीचे गिरा तो सीधा लावा पे जाऊंगा। चलो पहुंच गया, बच गया भाई, इसकी एक्सपी उठा लेता हूँ। अरे यार ये सारे भाई 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 भाई, मेरे को अब फोर्ट की एंट्रेंस में घुसना है भाई, ऐसे तो नहीं काम चलेगा। ओ बच गया बच गया बच गया बच गया, एक और शॉट चाहिए बस उसको। यस उसके उससे ब्लेज रॉड निकल चुकी है। यस 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 गाइस, तो एक ब्लेज रॉड मिल चुकी है भाई, जल्दी बुझ जा। अरे मार के बुझा सकते हैं ना यार, दिमाग ही काम नहीं करता है यार। एक और दिख रहा है मेरे को। चलो वो कुछ आ गया तो भाई तुम लोग, उसने मुझे देख लिया, उसने मुझे जला भी दिया है, लेकिन फिलहाल तो मैं उससे बच चुका हूँ यार। ये अलग ही डरा रहा है यहाँ पे। चलो अब मैं उससे पंगा लेता हूँ। एक पड़ा, अरे भाई मारा 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 मारा, बचो बचो बचो, बच गया भाई बच गया, सही बचाऊँ यार। तो मेरे को एक जगह तोड़नी पड़ेगी क्या? नहीं। ओ भाई भाई भाई, बहुत फास्ट रिएक्ट किया उसने, लेकिन कोई बात नहीं। यस इसको भी मैंने ख़त्म कर दिया, लेकिन यार इससे ब्लेज रॉड नहीं निकली है यार, यही तो गड़बड़ बात है। मतलब सबसे नहीं निकलती है, यही सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि ब्लेज रॉड सबसे नहीं निकलती है। पहले मैं चिकन खा लेता हूँ, नहीं तो आज फिर मेरे साथ वही हो जाएगा जो पिछले एपिसोड में हुआ है, तो वो मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ वो फिर से होए। तो चलो यहाँ से तो चलते हैं। दो लोगों को, दो को तो मारा हमने, लेकिन ब्लेज रॉड एक ही मिली और एक और मेरे को दिख रहा है भाई, दो और। वाह 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 वाह, अबे नहीं लगना नहीं लगना नहीं, लग गया। नहीं पड़ी यार, वो ऊपर उठ गया। और चलो ये वाली तो पड़ गई उसको। यस ये वाली भी पड़ी, लेकिन गाइस वो इतना ज्यादा पीछे है ना कि मैं क्या ही बताऊं। यहाँ पास वाले को मारता हूँ, उसको एक पड़ी है। अरे 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 अरे, बहुत ज़्यादा ही तेज़ी है इसमें, सही बताऊँ तो। एक और पड़ी, फिर से आग फेंक दी उसने भाई, वो पीछे चला गया। अरे यार ये भी बड़े स्मार्ट होते हैं, जैसे इनको पता चलता है ना कि मर सकते हैं, ख़त्म ख़त्म। लेकिन साथ साथ उसने मेरे को भी जला दिया। अरे यार मैं कहाँ ही फंस गया भाई, मुझे निकलने दो यहाँ से। जल्दी टूट जा भाई जल्दी टूट जा, ब्लेज रॉड पड़ी है। ये क्या आवाज़ है? ये आवाज़ मेरे को कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। चलो ब्लेज रॉड उठा ली, यस ब्लेज रॉड मिल चुकी है। अब तो वो एक और है जो मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, वो मेरे पैर पे आराम से ही मार सकता है, लेकिन वो भी हिट है, मैंने उसको डैमेज दिया था काफ़ी ज़्यादा, तो मैं कहीं गिर ना जाऊँ। हाँ यहाँ पे गिरने वाली हालत है। शिट 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 शिट, उसको लगा नहीं यार, ये छुप के बैठा है। अरे यार फिर बच गया वो, अब लग गया। यस मेरे को जाना पड़ेगा घूम घाम के। यार मैं जा क्यों रहा हूँ, वैसे तो उसके पास से ब्लेज रॉड आई नहीं, एक्सपी है भले। यार एक्सपी के लिए उतना मेहनत करना कोई मतलब नहीं आई थिंक, छोड़ो। अब मेरे को लगता है कि हमको फोर्ट के अंदर ज़्यादा जाना चाहिए कहीं। ये आवाज़ तो ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, ज़्यादा क्या एकदम अच्छी नहीं लग रही। देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये आवाज़ किस, भाई साहब इधर कितने सारे हैं, इन्होंने अगर मेरे पे हमला करा तो मैं तो कहीं का नहीं बचूंगा।
तो इनसे पंगा ना लेते हुए मैं निकलता हूँ यहाँ से। अरे यहाँ पे एक और आवाज़ आ रही है जो कि सही नहीं है, तो जल्दी से टूट जा ब्रो। अभी तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को, बस इस फोर्ट का एंट्रेंस चाहिए, क्योंकि अब मैं दूसरे साइड से आया था, तो क्या हुआ कि मतलब जो फोर्ट का, ओके ये गुस्सा हो चुका है, ये मुझसे गुस्सा हो चुका है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका है, मेरे को मारने भागेगा वो, पता नहीं क्यों मेरे से भड़क चुका है अब तो भाई। वो मेरे को मारे बिना वो नहीं छोड़ेगा अब। और यहाँ से भाई इतनी ज़्यादा आवाज़ खतरनाक, मेरे को तो डरा रही है, तो पहले तो मैं यहाँ से दूर हो जाता हूँ। अरे यार कुछ कर नहीं सकता था, मेरे को उसको मारना ही पड़ा, क्योंकि भाई इनके एक्चुअली में इनकी आंखों में नहीं देखना चाहिए, मतलब इनके आंख में, मतलब ये जब तुम्हारे पास हो तो इसकी आंख में मत देखना, ज़्यादा सही वही रहता है। और मेरे ख्याल से मैंने गलती से उसकी आंख में ज़्यादा देर तक देख लिया, तो वो गुस्सा हो गया था। तो फिलहाल तो चलो मैं सेफ़ हूँ, लेकिन अब मेरे को एंट्रेंस नहीं मिल रही जहाँ से मेरे को एंटर करना है। और भाई इसके साथ साथ ही मेरे साथ ऐसा सीन हो गया कि अब मेरे को ये भी नहीं पता कि मैं घर कहाँ से जाऊँगा, तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो रखी है। ओके 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 मेरे को अब पता चल गया है, इनको देखते ही मेरे को पता चल गया कि मेरे को जाना किधर से। तो ये रहा, एंट्रेंस भी दिख गई मेरे को, और यहाँ पे वो सब खड़े हैं, मेरा वेट कर रहे हैं कि मैं आऊँ और पंगा लूँ उनके साथ। चलो बढ़िया है, मैं पंगा क्या, मैं तो ब्लेज रॉड लेने आया हूँ भाई, साफ सीधी बात। यहाँ पे एक से ज़्यादा की आवाज़ आ रही है मेरे को तो। ओ हो, बच गया बच गया बच गया बच गया। ऊपर स्केलेटन भी है मेरे ख्याल से, पहले फटाफट जाके। ओ भाई भाई भाई, तीन 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 मरवा ही डालेंगे ये तो ऐसे यार। एक पड़ी उसको, एक पड़ी है बस, मेरे को एक और उसको मारना है, दो तो पड़ चुकी है। ओके एक और को मैंने मार दिया, और ये मेरे ख्याल से ज़्यादा पीछे जा चुका है। शिट 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 शिट, यस गाइस एक और ब्लेज रॉड फाइनली एक और ब्लेज रॉड मिल गई है। मैं पहले कुछ खा लेता हूँ, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था, वो खतरनाक ही सीन हो गया था गाइस, सही बताऊँ तो। अभी और दो बैठे हैं वहाँ पे, उन दोनों को मारेंगे और फिर हम जाएंगे अपने घर। बेटा अच्छा वो लोग कहीं और जा चुके हैं। पड़ी तो पड़ी पड़ी पड़ी, नहीं 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 जला दिया यार, जला दिया साले ने। अबे चपड़ गंजू जला क्यों रहा है, मतलब काम तेरा है जलाना। भाई ये लोग बहुत तेज होते हैं, मतलब जैसे इनको पता चल रहा है मैं इनको मार रहा हूँ ना, पीछे हो जा रहे हैं, मतलब अपने को पीछे की तरफ लेके चले जा रहे हैं। मेरे को यहाँ पे कुछ खा लेना चाहिए, नहीं तो अब तो मेरी मौत पक्की हो जाएगी। तो चलो अभी तो ठीक है, फिर से अपना बो निकालता हूँ और इनसे पंगे लेता हूँ। भाई फिर आग फेंकी साले ने, ओए ओए गिरी मत। वो भी गया वो भी गया वो भी गया, लेकिन यार कोई मतलब नहीं हुआ उसको मारने का, सही बताऊँ तो। इसको मारते हैं, ओके एक हिट लग चुका है भाई, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था भाई, मैं चढ़ चुका हूँ, बेसिकली मैं इस पर चढ़ा हुआ हूँ। ओ भाई एक और आ गया यार, अब मेरे को ज़्यादा मतलब दिक्कत वाली बात लग रही है अब तो। साले ने फिर मारा यार, ऐसे चढ़ के ऊपर खेलना बहुत रिस्की, क्योंकि अगर मैं गलती से नीचे गिरा तो फिर पता चला मैं फिर से उसी पिछले सीजन पिछले एपिसोड की तरह मैं फिर से लावा में, तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता। भाई बच गया यार बच गया। मैं यहाँ से निकलता हूँ फिलहाल, तो अब मैं यहाँ पे से तो इनसे नहीं ले सकता ये, तो जल्दी टूट जा भाई जल्दी टूट जा। टूट गया,
कहाँ है? ओके ये यहीं रही, ये सामने ही है। एक पड़ गया उसको, एक पड़ गया भाई। कितना पीछे चल गया देख सकते हो, देखो कितना ज़्यादा पीछे चला गया है। अब कतई डीट है ये। पड़ा एक और, पड़ा एक और, पड़ा उसको। मेरे को भी आग में आग के हवाले कर दिया उसने, लेकिन कोई ना, मैंने उसको दो शॉट तो मार दिए हैं। अबे यार इतने बड़े डरपोक है ना ये, क्या ही बताऊँ मैं, कितना पीछे चला गया भाई वो, क्या ही बोलूँ। मैं जा रहा हूँ एक और पर नेदर फोर्ट के अंदर। सलाम साहब, ये इस पंगा ना लेना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि बहुत गुस्सा हो जाता है ये। मार तो नहीं पाता है, लेकिन गुस्सा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अरे अरे भाई 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 भाई, ये क्या ही चल रहा है यहाँ पे, सबके सब आ गए हैं। इसको पहले मारूं, अरे इसको लगा ही नहीं। हाँ लगा, आप लगा। आय 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 आय। अच्छा ये आ गया अब ये। ओके भाई ये वाला सीन सही था, लेकिन फिर उसने मेरे को चमत्कारी कुछ कर दिया, जिससे अब मेरे को फिर चोट लग रही है, लेकिन मेरी हेल्थ कम नहीं हो रही है। उसको लगा मेरे ख्याल से, मर गया वो, मर गया वो, मर गया वो, मर गया। अभी एक और स्केलेटन की आवाज़ आ रही है। ओ शिट, नहीं मरा अभी, अब तो मर जाए, अभी मर जाए, मर गया मर गया मर गया। ब्लेज रॉड भी दे गया भाई, थैंक यू थैंक यू। यहाँ से काफ़ी खतरनाक। अरे यार तुम कितने हो, कितने हो भाई, ये तो बताओ पहले। मैं तो परेशान हो गया इनकी गिनती देख देख के। तो उसको फिर से लगी है, लेकिन पीछे मेरे पीछे एक और सीन है। आग लगा दी, बच गया बच गया बेटा। अब हेडशॉट खाएगा तू। यस यस, ब्लेज़र रोड का है। अबे गधा, पोपट कर दिया इसने मेरा। वैसे तो ये सारे मैंने लूट रखे थे, तो मैं इस उम्मीद में आया हूँ कि कुछ मिल जाए, लेकिन भाई कुछ मिलने वाला नहीं है पहली बात तो यहाँ से मतलब अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो मैं सोच रहा हूँ चलो चलते हैं, चार ब्लेज रॉड मिल गई, ज़्यादा लालच बुरी बला है ना, तो अब चलना ही ज़्यादा सही रहेगा। स्केलेटन की आवाज़ आ रही है, तो स्केलेटन से भी पंगा नहीं लेना मेरे को। आया, देख लिया देख लिया देख लिया, मुझे देख लिया इसने। इसको तो मैं यहीं पे ला के मारूंगा। मर गया। ओह उसकी तलवार मुझे कैसे मिली, मुझे नहीं पता भाई। सही है यार, तलवार मिल गई मेरे को उसकी। यार मेरा मन बोल रहा है कि एक और ले लेता हूँ, लेकिन सही बताओ ना, तो अभी अगर मैं लेने गया और मर गया तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा मुझे, तो वो मैं नहीं चाहता। तो चलो अभी फटाफट अपन चलते हैं। एक सेकेंड, ये ऊपर देख लेते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं वो लोग। एक्चुअली में यहीं पर रहते हैं ज़्यादातर, अभी नहीं है। चलो नहीं है यहाँ पे, फिर कोई पंगा लेने की ज़रूरत नहीं। अब चलते हैं सीधा अपने अपने घर। भाई अब मेरा घर कहाँ है यार, है ना? क्या यार, चलो तो भाई बस पहुंच ही जाएंगे अब अपने घर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस किसी से कुछ बोलना नहीं है, किसी को कुछ देखना नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, मेरे रास्ते में ही खड़ा है ये, बताओ। ओके नहीं, ये रास्ते में नहीं खड़ा है, मेरे ख्याल से ये ऊपर है, तो मेरे को कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को उससे बात ही नहीं करनी, मेरे को सीधे अपने घर भागना है अब। तो यहाँ पे मेरी मुर्गी अपना समय काट रही है, बहुत बढ़िया। अब यहीं पे रहो तुम, और इनको भी बताओ कि तुम कितनी इरिटेटिंग चीज़ बन सकती हो। ठीक है, तो अभी बस उनको देखने दो मुर्गियाँ, और भाई हम तो चले अपने घर चार ब्लेज रॉड के साथ। गाइस मज़ा आ गया आज तो यार, सही बताओ तो। चलो अभी फटाफट घर पहुँचते हैं, ये हम अपने अकॉर्डिंग टू द मार्क चलते हैं। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, एक पिगी को मार के जाएं, बहुत परेशान कर रहा है ये, देखो गोलम सबको उड़ा रहा है। और पिगी, एक गोलम यहाँ पे फंसा हुआ है, वो जा रहे हैं उसको उसको मारने, क्योंकि उनको इसको इनको गुस्सा आ रखा है। ये देखो यहाँ पे देखो भाई, मेरे गोलम के साथ पंगा कर रहा है। अबे मार दिया,
भाई मेरे गोलम को मार दिया भाई। शिट मैन, ये हंसी बहुत ही दुख गुस्से वाली है, मतलब गुस्सा दिलाती है। तो चलो अब चलते हैं यहाँ से। अब भाई मेरे गोलम को इन्होंने मार दिया। ओहो, एक तो यहीं पे आ चुका है, ये देखो, इसको तो मैं यहीं पे मारूंगा। और बेटा, हाँ गोल्ड नगेट दे गया, बहुत बढ़िया काम किया तूने। चल तो गाइज हम आ चुके हैं अपने शांति वाले देश में, मतलब शहर में, मतलब दुनिया में। तो बहुत ही बढ़िया, 4 ब्लेज रॉड के साथ कल का पूरा बदला लिया मैंने उनसे। यहाँ पे मेरे घोड़े आराम कर रहे हैं और मैं अपनी ब्लेज रॉड लेके पहुँचता हूँ। और भाई आज तो मज़ा ही आ गया, क्या ही बताऊँ। तो गाइज आज तो भाई क्या ही बताना, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और भाई आज की फ़ाइट तो बहुत ही तगड़ी थी, तो वो भी बताना कि आपको आज की फ़ाइट कैसी लगी। तो फिलहाल अभी अपन चलते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे आपको पोर्शंस के साथ, क्योंकि अब ब्लेज रॉड मिल चुकी है तो पोर्शंस बनेंगे और बहुत ही ख़तरनाक ख़तरनाक पोर्शंस बनाऊंगा, जिससे मैं जो पिछले एपिसोड में आग के हवाले होके मर गया था वो ना हो मेरे साथ। तो चलो भाई आज तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो चलो गाइस बाय बाय, मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।